का क्वेश्चन आ जाए और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो क्या करूं, नंबर लाइन बनाऊं। सबसे पहला काम नंबर लाइन, हर एक क्वेश्चन में यही मैथड लगाना है। यहां नंबर लाइन में ये नंबर प्लॉट करो, 0 to π/2 यहां लिखो। अब मॉड के अंदर जो भी दिया उसको जीरो से इक्वेट कर लो। मॉड के अंदर दिया हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको जीरो से इक्वेट कर लो तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को यहां ले आओ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, साइन बाय कॉस टैन हो गया। टैन एक्स 1 कब होता है, टैन एक्स 1 होता है 45 पे, यहां पे प्लॉट कर दो और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। तो यहां लिखो 0 to π/4 प्लस π/4 to π/2, ठीक है। मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये दो तरीके से ओपन होगा, या तो ये प्लस से ओपन होगा है ना, या तो ये माइनस से ओपन होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में प्लस में होगा या माइनस में होगा। आप क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर, इनके बीच में ले लो 30 आपको यहां रिप्लेस करना है, ठीक है। मॉड को मत देखना, मॉड को नहीं देखना, साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, आप चेक कर लो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि √3 होता है 1.73, 1 में से 1.73 करोगे तो नेगेटिव आ जाए। इसी तरह इनके बीच में कोई नंबर ले लो 60, यहां 60 डालो, साइन 60 कॉस 60, साइन 60 हो गया √3/2 और कॉस 60 हो गया 1/2, तो 1.73 में से 1 गया, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में आप नेगेटिव से ओपन करो और इस केस में पॉजिटिव से ओपन करो, तो नेगेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स और इस केस में पॉजिटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन करो, माइनस को निकाल लो बाहर, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहां पे लिमिट लगा दो 0 to π/4। अब इसकी भी इंटीग्रेशन, साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की साइन एक्स, बस इसमें लिमिट डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसमें लिमिट लगा देना, इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा 1 आएगा, चेक कर लेना, ये आंसर हो गया इसका।